दोस्तों, अगर आपको भी पेटीएम के अंदर अपना वॉलेट बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, या आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट खुला हुआ है वो भी आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो यानी कि बैलेंस और हिस्ट्री वाले ऑप्शन के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह के अंदर अपना यानी कि पेटीएम का वॉलेट का बैलेंस भी नहीं दिख रहा है और पेटीएम पेमेंट बैंक का बैलेंस भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर बैलेंस किस तरीके से चेकआउट करेंगे, यानी कि अपने वॉलेट के अंदर जो आपका बैलेंस पड़ा है वो किस तरीके से देखेंगे, और आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो बैलेंस पड़ा है वो किस तरीके से देखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लग गया था, तो वॉलेट के ऊपर भी बैन लग गया था, यानी कि हम किसी भी तरीके का पैसा उसके अंदर रिसीव नहीं कर सकते थे। तभी से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि उन्हें हिस्ट्री के अंदर उनका वॉलेट बैलेंस और पेटीएम पेमेंट बैंक का बैलेंस शो नहीं हो रहा है। चलिए आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से वाला बैलेंस देखेंगे कि कितना आपके शेष राशि रह गई है, और किस तरीके से उसके बारे में उसकी पासबुक वगैरह चेकआउट करेंगे, हिस्ट्री वगैरह चेकआउट करेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आकर पेटीएम का लेटेस्ट वर्जन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, फिर इसे आपको ओपन करना है। अब आपका लेटेस्ट वर्जन अपडेट हो गया है, तो अब आप इसे यहाँ पर ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे की साइड में यहाँ पर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई पेमेंट सेटिंग का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी बाद आप नीचे की साइड में स्क्रॉल करिएगा, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट का। जी हाँ, यहीं पर आपका ये ऑप्शन छुपा हुआ है। अब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा ब्यौरा दिखाई देने लगेगा, लेकिन ऊपर ही एक ऊपर अपडेट दिखेगा कि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पर इसके अंदर ना तो पैसा रिसीव कर सकते हैं, ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसके अंदर होगा, लेकिन जो मौजूदा बैलेंस है वो यूज़ हो सकता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी से पेमेंट, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, इसे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर जीरो बैलेंस पड़ा है, मैंने क्योंकि मैंने इसे यूज़ कर लिया है। अगर आपका यहाँ पर पड़ा होगा तो आपको यहाँ पर शो होगा, साथ ही साथ नीचे एक पासबुक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन आपको देखना है, पासबुक के अंदर पैसा कब आया, किसे भेजा, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र टू बैंक के ऑप्शन से इसे यूज़ कर सकते हैं, और पे के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका यहाँ पर किसी का बारकोड स्कैन कर सकते हैं और इसे पैसे को भेज भी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यही आज की वीडियो मुझे आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में भी कॉमेंट करिएगा।